जब तक परमिशन नहीं देगी माय डियर बेना नहीं आएगी। तो देखो ये जेठालाल को तो इतना लपेटता है, अभी साथ में उसने मुझे भी लपेटना चालू कर दिया है। नहीं तो भाई मैं बोलो माँ का पूजा करने आता हूँ, आरती उतारने आता हूँ, अभी दया भाभी को भेजो जल्दी उसके लिए। मैं सबको जवाब देते हुए कंटाल गया हूँ। देखो देखो ऐसा है आशीष भाई कि आपको एक बार फिर से कामेश्वरनी पोल में आना पड़ेगा, माता जी को मिलना पड़ेगा। कामेश्वरनी पोल में भूषण भाई के बाजू में आना पड़ेगा ना एक बार माता जी को मिलने के लिए। माँ को मिलोगे इधर मालूम है जेठालाल कितना परेशान है भाई। मैं समझ रहा हूँ तुमको कुछ मालूम है, वो उधर से रोज टिफिन लेके पद्मावती भोजनालय से खाना। तू तेरा शादी हुआ नहीं है, तू शादी कर तो मालूम पड़ेगा कि बीवी के बिना घर कैसा चला सकते हैं। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन क्या है पानी में चना सूखता है उस तरह से माई डियर जीजा जी सूख रहे मुझे दिखता है। 5 किलो गेन किया है माई डियर जीजा जी ने बिना बहना के। इसको कोई असर नहीं है भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ जल्दी अभी दया भाभी को लेके आ जाओ। मैं बात करता हूँ, आप चिंता मत करो, अब मैं समझ सकता हूँ। आप प्रेशर मत लो, अभी दया भी नहीं, आप सब लोग अहमदाबाद जाओ, सुंदर के घर पे जाके डेरा डालो। नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं बात करता हूँ इन लोगों को। हाँ जी हाँ जी नमस्ते, मैं सुंदर वीरा, बताइए बताइए आप सब लोग बताइए। आज आपके जीजा जी का नया दुकान, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया दुकान बनाया माय डियर जीजा जी ने, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के सब चीजें लाए, बहुत बढ़िया इंटीरियर करवाया है। एक चीज का मुझे दुख रह गया कि मेरे पास इंटीरियर नहीं करवाया, पर मैंने भी इंटीरियर किया होता तो इतना बढ़िया इंटीरियर मैं नहीं कर पाता। बहुत बढ़िया इंटीरियर किया है, बहुत सारी आइटम बहुत बढ़िया बढ़िया लाए, तो बहुत खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल। अब देखा मोबाइल भी बहुत अच्छे अच्छे है, वो धीरे से मैं बात करूंगा उनसे। आपने दुख दिया जो इस बार वापस से एक बार उनको इतना क्या उम्मीद दी कि आ जाएंगी दया आ जाएंगी फिर से उनका भरोसा तोड़ दिया। अरे आप कौन सी बाजू देखते हो, पॉजिटिव साइड देखो, मैंने कितनी अच्छी उम्मीद, अरे हाँ मैंने कितनी अच्छी उम्मीद देखा है। देखो देखो मैंने दिल तो तोड़ा नहीं माय डियर जीजा जी का, देखो आप मैं कितना दिल का कितना साफ हूँ। देखो मैं जीजा जी का कितना सोचता हूँ, ऐसा मैंने बोल दिया ना कि भाई अभी प्रॉब्लम है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, वो सब देखना पड़ता है ना भाई है, तो वो सब करके मैंने देख लिया, वहाँ माँ को मनाया, नहीं आ पाई बेना, तो अभी जबान कट गई थी, जबान की भी भाई कीमत होती है ना, आशीष भाई को दूँ आपको दूँ शो में दूँ, तो क्या हुआ फिर मैं वो कटआउट लेके आ गया। पर देखो बेना आई ना, आई कि नहीं आई है, और ये क्या है भाई, ये मीडिया है 2D मीडिया है ना, 3D मीडिया तो है नहीं, तो कटआउट 2D मीडिया, बेना आ गए, बात खत्म। ए देखो हमारे गुजराती में क्या होता है, एक शब्द है परभवना लेणियात, क्या शब्द है परभवना लेणियात, तो क्या होता है वो लेखा जेखा होता है ना, तो उसमें क्या है वो थोड़ा पिछले जन्म में जीजा जी के पास से मेरा लेना कुछ बाकी रह गया है, जीजा जी ने मुझसे कुछ ज़्यादा ले लिया होगा, तो ये क्या है माय डियर जीजा जी और माय डियर बहना उनका 7 जन्मों का संबंध है, तो क्या है 7 जन्म का साले का भी संबंध है, कुछ 3.5-4 संबंध हो गए, 3.5-4 जन्म हो गए, तो अभी और 2-3 जन्म ऐसा रहेगा, तो वो क्या है लेन देन चलता रहता है ऐसा ऐसा ऐसा। चलिए तो यहाँ कट टू डायरेक्ट मेयू पे आते हैं। अरे क्यों आना है भाई, अरे पर क्यों आना है भाई, अरे जरा मजा लीजिए ना इसमें, मेरे को मजा आता है। हाँ बोलिए, ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी खबरें रोज आ रही हैं नहीं आ रही, क्योंकि आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता, तो आप ही क्लियर कर दीजिए क्या है, क्या मतलब दया भाभी आ रही है, आपकी बहन आ रही है, दिशा मकानी आ रही है कि नहीं दया भाभी बनके। अरे भाई मैंने आपको बता दिया ना भाई, उसमें क्या है कि भाई ये सब है ना अभी रहस्यों के गर्भ में छिपा हुआ है सब कुछ, और ये सब का मजा तभी आता है जब जिस टाइम पे जो बात निकलती है उसमें आता है, किसी की बात को मैं आगे से फोड़ दूँ या पीछे से, जो टाइम पे जो बात होती है उसी का मजा रहता है, तो उसी में मजा है, वो मजे को मजे रहने दो, उसको अभी से अनफोल्ड मत करो। लेकिन आप मामा बन गए पर्सनल लाइफ में, और एक बार क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है इस बात, वो तो बहुत खुशी की बात है, उसमें कुछ कोई सवाल ही नहीं है, बहुत आनंद होता है और मजा 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 एकदम मजा। चलो प्लीज लास्ट क्वेश्चन, क्या बात होती है आपकी, मतलब दिशा जी से बात होती है तो क्या बातें होती हैं, मतलब इस शो को लेकर, क्या वो मिस करती हैं शो को? अरे बहुत सारी बातें होती है भाई, बने वो अपने भांजे का आवाज सुनने में से ही मैं ऊंचा नहीं आता हूँ कि और कोई बातें मैं करूँ। अरे भाई इतनी सारी बातें होती है, इतनी सारी बातें होती है, उसमें कब वो बात आ जाती है पता ही नहीं चलता है भाई। लेकिन कभी आती है तो क्या जवाब मिलता है? अरे वही मैं बोल रहा हूँ, इतनी सारी बातें होती है ना तो क्या होता है, ट्रैक के ऊपर ट्रैक हो जाता है। वेलकम सर, वेलकम, सो नाइस ऑफ यू।